देख रहे हैं News 21 टीवी। आइए देखते हैं ये खास खबर। NS विद्या मंदिर स्कूल फरीदपुर में वार्षिक उत्सव मनाया गया। वार्षिक उत्सव में मुख्य अतिथि पीटी शर्मा जो कि तक्षशिला स्कूल के चेयरमैन हैं, उनके साथ रमेश चंद भी आए और उन्होंने संयुक्त रूप से स्कूल के चेयरमैन सुशील शर्मा को बधाई दी कि वो ग्रामीण क्षेत्र में बच्चों को अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, इसलिए वो बधाई के पात्र हैं। साथ ही चेयरमैन सुशील शर्मा ने बताया कि आज लगभग 255 छात्रों को सम्मानित किया गया। मैं सुशील कुमार, प्रिंसिपल ऑफ NS विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल। आज हमारे स्कूल में एनुअल प्रोग्राम होने जा रहा है, जिसमें हमारे 255 बच्चे पार्टिसिपेशन में हिस्सा ले रहे हैं। सांस्कृतिक प्रोग्राम है और बच्चों ने इसमें बढ़ चढ़ कर भाग लिया है। श्री BD शर्मा जी, फाउंडर ऑफ तक्षशिला मॉडल स्कूल एंड RC छावड़ी जी, मेरे चीफ गेस्ट हैं। तो सर, कितने बच्चों को आप आज अवार्ड दे रहे हैं एनुअल फंक्शन में? हम 350 बच्चों को अवार्ड दे रहे हैं, 250 बच्चे पार्टिसिपेशन में हैं और 100 उससे अलग। तो NS विद्या मंदिर समय समय पर बच्चों के लिए कुछ खास अलग से कार्यक्रम करता है? ऐसे सांस्कृतिक प्रोग्राम या तुम्हारा कंपटीशन वगैरह हम बार बार करवाते रहते हैं, हर महीने में, दो महीने में ये काम करवाते हैं। पेपर नज़दीक हैं बच्चों के, तो उसके कोई खास संदेश देना चाहेंगे बच्चों को? सर, मेन फोकस हमारा वैसे पढ़ाई पे ही होता है, लेकिन वक्त की डिमांड के अकॉर्डिंग हमें सांस्कृतिक प्रोग्राम एनुअली ये कराना पड़ता है। अदरवाइज हमारे बच्चे जो है वो मेन फोकस जो उनका एजुकेशन पे ही है, पढ़ाई पे ही है, और वो उसके लिए मेहनत कर रहे हैं। और हम भी चाहेंगे कि बच्चे इस तरह प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद पढ़ाई पे स्पेशल ध्यान दें। सर, आप आज स्कूल के एनुअल फंक्शन में गेस्ट के तौर पे आए हैं, तो कोई बच्चों को एवं स्कूल के प्रशासन को कोई आप संदेश देना चाहेंगे? मैं इस बात से बड़ा प्रसन्न हूँ और बहुत बहुत बधाई देता हूँ अपने छोटे भाई सुशील कौशिक जी को। सबसे पहली बात कि एक रिमोट क्षेत्र में, गांव ग्रामीण क्षेत्र में इन्होंने स्कूल स्थापित किया है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और अभी मुझे पता चला है कि पिछले साल से इन्होंने यहाँ पर +2 तीनों फैकल्टी परमानेंट रिकॉग्नाइज, साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स तीनों के लिए। तो गांव के लोगों को दूर जाने से उन्हें बड़ी सुविधा होगी और अपने गांव में ही नज़दीक के नज़दीक वो तीनों प्रकार की फैकल्टी में अपनी शिक्षा प्राप्त करेंगे। और सबसे बड़ी बात साइंस की है, आज के ज़माने में, मॉडर्न युग में साइंस के बच्चों का आगे अच्छा भविष्य है और उन्होंने साइंस के लिए यहाँ पर भागदौड़ करके अपनी स्थापित किया अपने आप को। तो मैं आने वाले समय के लिए अपने भाई सुशील जी को शुभकामनाएँ देता हूँ और इस बात की बधाई देता हूँ कि अपने विद्यालय को इसी प्रकार आगे चलाते रहें। धन्यवाद। उठा देख लिया था। आज NS विद्या मंदिर का एनुअल डे है, सारे पेरेंट्स यहाँ इकट्ठे हैं। तो सबसे पहले तो मैं सुशील जी को बधाई देता हूँ कि भाई हर साल नई उनकी प्रोग्रेस हो रही है। साथ में पेरेंट्स को मैं एक बात कहना चाहता हूँ, शिक्षा और चिकित्सा दोनों ही अपने आप में विश्वास का फील्ड है। अगर चिकित्सा में आप डॉक्टर पर विश्वास करेंगे तो आप जल्दी ठीक हो जाएंगे और आप स्वस्थ होंगे,
और हल्के डॉक्टर और कम पैसे वाले डॉक्टर पर भी आपकी दवाई सटीक काम करेगी। ठीक उसी तरह से शिक्षा के क्षेत्र में कि अगर आप अपने टीचर पर विश्वास करेंगे तो आप बहुत ज्यादा सीखेंगे। तो पेरेंट्स हैं उनसे मैं निवेदन करूंगा और साथ में उनसे एक दरख्वास्त भी करूंगा कि जो उनके बच्चों के जो शिक्षक हैं, जो उनका स्कूल है, उसमें वो पूर्ण विश्वास रखें और अपने बच्चों को सिखाएं कि उनके टीचर से बेस्ट कोई नहीं हो सकता। तो उनके टीचर उनके लिए बहुत अच्छा करेंगे और उनके बच्चे हर क्षेत्र में आगे बढ़ते चले जाएंगे। इसी के साथ मैं सबको शुभकामनाएं देता हूं। सर, आप फरीदाबाद के जाने माने शिक्षाविद हैं और कहीं ना कहीं शिक्षा की राष्ट्र का निर्माता होता है, लेकिन आज ये जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होते जा रहे हैं बिल्कुल ना के बराबर रह गए हमारे पूरे भारतवर्ष में, तो इस पर कहीं ना कहीं शिक्षक की भूमिका भी कहीं ना कहीं इसमें है, तो इस पर आप कुछ कहना चाहेंगे? शिक्षा के क्षेत्र में कई तरह की संस्थाएं काम कर रही हैं, पर जो ये प्राइवेट स्कूल्स में जो संस्थाएं काम कर रही हैं, जो निजी क्षेत्र जिसको हम कह सकते हैं शिक्षा का, वहाँ पर इस चीज में मैं समझता हूँ कि कोई ज़्यादा कमी आई नहीं है। वहाँ स्पोर्ट्स भी है, वहाँ कल्चर भी है, वहाँ कंपटीशन भी बच्चों को लड़ने के लिए प्रेरित किया जाता है, और संसाधन अगर सीमित भी हैं, उन सीमित संसाधनों को बिना किसी की परमिशन के लिए वो अपने आप खर्च करके उनको बेहतर ढंग से खर्च करते चले जा रहे हैं और एक्टिविटीज़ में बच्चे आगे भी बढ़ रहे हैं।